सेल सेल सेल, ओ माय गॉड, सेल इज एवरीवेयर नाउ। सारे ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग्स पे सेल लगी हुई है। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी मिंत्रा से, एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी और इतने हैवी डिस्काउंट पे मैंने शॉपिंग की थी। आई विल शेयर विद यू गाइज, सो वेलकम टू माई चैनल मेगा गर्ल ऑफिशियल। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे, हमें क्या क्या ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, एंड मैंने क्या क्या परचेज किया, वो सब मैं आज अभी वेयर करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। सो गाइज, आप सब देख सकते हैं मैंने कितना कुछ मिंत्रा से मंगाया है, ऑनलाइन शॉपिंग की है, एंड मैक्सिमम मैंने ये परचेज किए 70% ऑफ पे एंड विद बेस्ट ब्रांड्स। सबसे पहले मैं ये ओपन करूंगी, मैंने शूज मंगाए थे, देखते हैं। ये मैंने दो शूज मंगाए थे, ये कौन से वाले शूज हैं। सो हियर इज माय शूज, इसको मैं बहुत टाइम से मैंने विश लिस्ट कर रखा था। ये कुक एंड किक का ब्रांड है, के। लुक एट दिस ब्यूटीफुल शूज, एंड इसका एक्चुअल प्राइस है 2999, एंड मैंने इसको परचेज किया है ओनली एंड ओनली 900 समथिंग। ये मैंने अपने जिम के लिए मंगाया है, एक्सरसाइज करती हूँ मैं, वर्कआउट करने के लिए मेरा लोअर है। ओ माय गॉड, ये मेरा लोअर, ये मैंने जिम के लिए मंगाया है। ये मेरी टाइट्स, ये एंकल लेंथ है, स्किनी फिट है, मिड राइज है, यू कैन सी। एंड ये ब्रांड है HRX बाय ऋतिक रोशन, एंड ये बहुत बहुत अमेजिंग है गाइज। ये भी मैंने विश लिस्ट कर रखा था, सेल लगने से पहले ही मैं बहुत सारा विश लिस्ट कर लेती हूँ। साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है वो, अब मुझे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो ये इसका एक्चुअल MRP है 1699, बट आई गॉट इट ओनली एंड ओनली 699। आई सेव 1000 rupees। सो फाइनली आई गॉट माई फेवरेट शूज, दिस इज बाय मोड रेड टेप लंडन। इस शूज का तो मुझे बहुत टाइम से इंतजार था, मेरे को साइज ही नहीं अवेलेबल हो रहा था मेरा। बाई चांस ये मेरा गुड लक था कि सेल लग गई और ये मुझे सेल में मिल गए। इसका एक्चुअल प्राइस है 3295 और मुझे ये मिला है सिर्फ 1000 rupees में। मेरा बहुत अच्छा वाला यू कैन से गुड लक चल रहा है कि मुझे इतनी सारी शॉपिंग इतनी सही प्राइसेस में इतना सारा सामान मिल गया। बाकी इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मैंने अपने बॉटम वियर अपने लिए परचेज किया था, मेरे पास टॉप था वाइट, मैंने उसके लिए परचेज किया था। शास्त्रा ये ब्रांड है एंड इसका एक्चुअल MRP है 2899, बट आई गॉट इट ओनली एंड ओनली फॉर 800 rupees। गेट दिस ब्यूटीफुल बॉटम। सो ये मैंने नेक्स्ट परचेज किया था मम्मा के लिए टॉप, यस ये मैंने अपने मम्मा के लिए परचेज किया था। मैं अपने मम्मा को गिफ्ट दूंगी, ये खुश हो जाएंगी। कलेक्शन ब्रांड का नेम है ये, एंड दिस वन इज एम्ब्रॉयडरी टॉप। इट्स सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने ये अपने मामा के लिए परचेज किया है। ओके, इसका एक्चुअल प्राइस है 1999 एंड मैंने इसको परचेज किया था अराउंड 530 अराउंड समथिंग। इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करती हूँ। Amazing, such a beautiful top. ये भी मैंने सेल में से ही परचेज किया। ये 70% ऑफ पे तो नहीं था, बट ओके, ये मुझे बहुत पसंद था। इसका एक्चुअल प्राइस है 1199, बट आई गॉट इट अराउंड 700 और समथिंग ओनली। अमेजिंग टी शर्ट, ये मुझे बहुत 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 पसंद है। ये मैंने अपने ब्रदर के लिए ऑर्डर की है, उसका बर्थडे आ रहा है,
तो मैंने सोचा क्यों ना उसको एक टी शर्ट गिफ्ट की जाए। तो ये गैप की टी शर्ट है, इसका ब्रांड गैप, मुझे बहुत पसंद है इसका कलर, इसका प्रिंट, एंड सिंपल एंड बेस्ट। और इवन मैं अपने ब्रदर की भी इतनी सारी टी शर्ट वियर कर सकती हूँ, तो ये भी मैं स्टॉल करके वियर कर सकती हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल टी शर्ट, इसका ये जो प्रिंट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट है। एंड इसका प्राइस एक्चुअल में 1499 है, एंड ये मैंने 50% ऑफ पे इसको लिया है। इट्स अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद है। लुक एट दिस, खुश हो जाएगा भाई बर्थडे गिफ्ट देख के, एंड बेस्ट प्राइस पे मिल गया। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक दिखाती हूँ वन मोर। ये मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया, बट हाँ मैं अभी H&M गई थी करंट में, तो मैंने ये वहाँ से परचेज किया था। आई शो यू, बाकी सारे मेरे ऑर्डर्स अभी आने हैं वो दूसरे ब्रांड्स के हैं। ये भी मैंने सेल में परचेज किया। लुक एट दिस, ये वन पीस था, इसका एक्चुअल प्राइस है 1299, एंड मैंने इसको परचेज किया ओनली 500 रुपीज में सेल में। दिस वन ब्यूटीफुल, ये बहुत सोबर एंड बहुत अच्छा है। इसको हम कॉकटेल्स, पार्टीज, हम लोग कहीं पे जा रहे हैं घूमने, किसी के साथ भी वियर कर सकते हैं। इसके नीचे हम स्नीकर्स डाल सकते हैं, कैजुअल शूज डाल सकते हैं, एनी थिंग यू कैन वियर, अमेजिंग। ओके, सो ये हमारी हो गई ऑनलाइन शॉपिंग। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। लाइक गाइस, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी भी साइट से, इवन मिंत्रा एंड वॉट एवर इट इज, फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड काजो या लाइफस्टाइल, हम किसी से भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग ना एक माइंड में बात रखते हैं कि अरे ये टॉप अच्छा लग रहा है, ये शूज़, ये बॉटम, ये इयररिंग्स, एंड जो भी हमें अच्छा लगता है उसको हम विशलिस्ट कर लेते हैं एंड उसको हम परचेज कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। एंड ये हमें जब सेल में सेल नहीं भी लगती, जब भी हम उसको परचेज कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट हम एक चीज़ भूल, बहुत बहुत बड़ी गलती हो जाती है, भूल जाते हैं हम लोग क्या करते हैं। लाइक मान लो मैंने ये टॉप मंगा लिया अपने लिए, टॉप मंगा लिया एंड उसके बाद ये ऐसे ही रखा हुआ है, उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसके साथ बॉटम वियर में क्या पहनूं, मैं कौन से इसके साथ शूज़ कैरी करूं, कौन से इस पे मैं बॉटम वियर कैरी करूं, कौन से मैं इयररिंग्स, कौन से मैं स्टड, समझ ही नहीं आता कि क्या पहनूं। तो ये अपने माइंड में रखो, पहली फर्स्ट थिंग ये कि या तो प्रॉपर सेट बना के आप परचेज करो, या फिर आपके पास कुछ ऐसा है कि हाँ आप पे बॉटम वियर में जीन्स है, डेनिम है, बॉटम है, स्कर्ट, शॉर्ट्स, क्या आप पे है कि उसके ऊपर ये डेफिनेटली अच्छा लगेगा, वरना ये ऐसे ही पड़ा रहता है, वेस्ट हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ द थिंग, ये सबके साथ मिस्टेक्स होती हैं, पहले मेरे साथ भी हुई थी, उसके बाद से दिमाग हो गया कि हाँ प्रॉपर सेट बना के ही परचेज करना चाहिए, बिकॉज फिर उसके बाद ऐसे ही रह जाता है। अब मैंने ये शूज़ क्यों मंगाए हैं, शूज़ इसलिए मंगाए हैं, ये मेरी बहुत सारी ड्रेसेस के साथ चल सकते हैं। लुक, ये मेरे वन पीस के साथ भी जाएंगे, इसके साथ भी चले जाएंगे ये, और मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं उसके साथ भी जाएंगे। तो यही सोच के मैंने ये शॉपिंग करी है कि हाँ मेरे पास ये सब सामान है, ये बॉटम वियर है या ये टॉप मैंने परचेज किया है, तो इसके साथ मैं क्या वियर कर सकती हूँ। सो गाइज, ये सब सोच समझ के आप शॉपिंग करना, वरना वेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये वियर करके बताती हूँ, दिखाती हूँ।